नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कैलाश सिंह। दोस्तों, आज सेक्शन 353 332 के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सब वीडियो को देखने से पहले मेरा जो कानून की आवाज चैनल है, उसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज बात करते हैं 353 और 332 के बारे में। ये आईपीसी ये सेक्शन क्या कहता है दोस्तों? दोस्तों, कोई भी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक होता है, उनके किसी भी काम में कोई भी व्यक्ति अगर रुकावट डालता है या बाधा डालता है या ऐसा कोई भय उत्पन्न करता है, वो 332 और 353 आईपीसी के तहत आता है। मान लो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति लोक सेवक है या सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कोई भी काम कर रहा है, उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर उस काम में दखल अंदाजी करे या उसको डराए धमकाए या उसे उसके साथ या मारपीट करे, तो वो व्यक्ति प्रताड़ित होकर, चाहे उस व्यक्ति के खिलाफ जो अनजान व्यक्ति है या जो उसे दबाव डाल रहा है, उसे डराने की धमकी दे रहा है, उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ 323, 332 और 353 में वह मुकदमा दर्ज करा सकता है। लोक कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी व्यक्ति अपने कार्य करने में कोई भी व्यक्ति उस कार्य में बाधा डालता है या भय उत्पन्न करता है, तो वो राजकार्य में बाधा कहलाती है। मान लो दोस्तों, कोई व्यक्ति, जैसे मान लो एक पटवारी है, वो उस अपनी ड्यूटी से 9 से जैसे जो टाइम होता है, उस ड्यूटी के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है, उसे गाली गलौज करता है या उसके मारपीट करता है, उसको ये भय उत्पन्न करता है या उसे मारपीट करने की धमकी देता है, तो वो व्यक्ति किसी भी नजदीकी थाने में जाकर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, राजकार्य में बाधा में जो भी व्यक्ति दखल देता है, उसके खिलाफ 332 353 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना शॉर्ट इतना बताना चाहता हूँ भाई, जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट व्यक्ति या लोक सेवक है, उसके काम में किसी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति द्वारा दखल देना या किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे भय उत्पन्न करना, उसे मारने की धमकी देना या उसके साथ मारपीट करने पर उतार होना, तो उस व्यक्ति के खिलाफ राजकार्य बाधा सेक्शन 332 353 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। और इस मुकदमा दर्ज होने के बाद उससे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना जाता है, कोई मजिस्ट्रेट द्वारा उसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी माना जाता है, और उस व्यक्ति के खिलाफ 1 वर्ष से 2 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर सरकारी व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई भी दूसरा बाहरी तत्व उस पर दबाव डालता है, उसके साथ मारपीट करता है ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे, तो वो उसके खिलाफ 332 353 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकता है राजकार्य में बाधा डालने का। इसलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।